मैं कैसे भाग रहा था बूझी स्वागत है आप लोगों का आज के एक शानदार चैलेंजिंग वीडियो आज होने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग वीडियो। हमारे रूम में एक बंदा रहता है जिसका नाम है जयप्रकाश। वो बोलता है भाई चलो आज कुछ ऐसा करते हैं कि हम करेला का जूस चैलेंज करते हैं। ये बोलता है कि मैं तेरे से ज्यादा करेला खा पाता हूँ, मैं तेरे से ज्यादा खा पाता हूँ। बट देख रहा होगा कि आज इसने करेला जूस चैलेंजिंग। तो वीडियो पर कंप्लीट लेना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ना पढ़ने हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब अभी का अभी एंड बेल आइकन को कर लो प्रेस, ऐसी नए इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग एंड नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। है जयप्रकाश, देख बॉडी बिल्डर एकदम बिंदास है और ये बोलता है भाई करेला का जूस मैं तेरे से ज्यादा पी पाऊंगा। लेकिन गाइस आप सब लोगों को पता है कि करेला काफी कड़वा होता है और सबसे खास बात तो ये है कि अगर इसका भाई ओनली फॉर जूस निकाल कर पिए तो वो भी भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो, कम ऑन। तो इसके लिए गाइस हमें इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मिक्सर, ओके, एक केजी करेला गाइस। और ये करेला देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा करेला है, ये 100% एकदम करेक्ट। अब हम इसको सिंपली, और ये है हमारे पास छोटा सा एकदम चक्कू। अब इसको पता नहीं इससे क्या होने वाला है। हमारे पास कांच का गिलास हो सकता है 300 या 200 ml होगा। इसको इधर से सबसे पहले कट करना पड़ेगा, यहाँ से, ओके, यहाँ से ऐसे कट करेंगे, इधर से कट करेंगे और इसको गैस यहाँ से 20 से ना फाड़ना पड़ेगा। हार्ड लग रहा है यार, फट नहीं रहा है भाई, थोड़ा पास कर, फट नहीं रहा यार। ओके, तो गैस यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। इस तरह से हमें सारे के सारे आल जितने भी करेला है वो सबको इस तरह से कट करना पड़ेगा। और ये जयप्रकाश अपना हथियार लेके आ गए भाई, बाबा जी के जमाने का। ओहो, काफी मजबूत है यार, कटता नहीं है। ओके, तो इस तरह से गैस हमें पूरे करेले को फाड़ के और ये बीच का जो इसका दाना है ना, इसको इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से, ओ नो नो, तो गैस इस तरह से निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद ये सारे के सारे को यहाँ से ऐसे कट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, और कट करके हमें इसको इसमें डालना पड़ेगा। ये देख पा रहे कि पूरे का पूरे 1 kg भाई करेला, और इसको हमें यहाँ डालना पड़ेगा करेले का जूस ना पूरी तरीके से निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पानी डालना पड़ेगा यार, थोड़ा पानी दे दो यार भाई। तो हमारे पास है गाइस ये बाबा जी के जमाने का क्या बोलते हैं लोटा, देसी जुगाड़ी इसको बोलते हैं। इसमें हमने पानी रखा हुआ है, तो इसमें आपको थोड़ा सा पानी मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि इसका जूस निकालना है ना। और हम इसको कर लेते हैं भाई पैक। अब आती है इसकी असली, वाओ, कूल मैन। अरे यार ये अंदर है यार, अभी जिंदा है यार, ये पूरी तरीके से गया नहीं। सुनना, अभी इसको और जमाना पड़ेगा गाइस, इसको ना अभी आप। ओके, तो भाई लोग अब ये बन चुका है जूस। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। और हम एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले हम गिलास में निकालते हैं, दिखने वाला चीज में डालना चाहिए। तो ओके, निकालते हैं भाई करेला का जूस। और ये यार ये तो एकदम करेला कैसा दिख रहा है यार, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। वाह, इतना काफी है, ये करेला का जूस है, करेला ही का जूस है यार, 100% करेला का जूस है। थोड़ा सा और डाल देते हैं, और डालना है, अच्छा ये और छोड़ना है, ज्यादा नहीं बस। ये हुई हमारी सेकंड मशीन, सेकंड। क्या सिचुएशन है इसका गाइस, यहाँ पे ये देख पा रहे हो, वाओ इतनी खतरनाक दिख रहा है। यहाँ पे निकाल लेते हैं, वाह करेला का जूस। देखे गाइस नीचे पे देख पा रहे ना, ये है इसका असली मटेरियल। इधर कम हो रहा है यार, देखो ये कम होते जा रहा है इधर गाइस। फाइनली जैसे ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, कंप्लीट हो चुका है। देख पा रहे हैं कि ये भाई पूरे का पूरे करेला का जूस यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूरे यार ग्रीन, ग्रीन से भी ज्यादा ग्रीन, हल्का ब्लैक,
ग्रीन एंड ब्लैक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सेकंड ग्लास ये है मेरे लिए, ये है जयप्रकाश सेकंड पर। अब आती है भाई असली बात, आ जाओ यार जयप्रकाश और चलो चैलेंज कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं भाई जिस चीज की हमें काफी सबसे इंतजार था। तो ये है सबसे पहले जयप्रकाश पियेंगे, लो भाई स्टार्ट करो, अब देखते हैं कि आपके कितना दम है। यार करेला जूस है गाइस, कोई काज नहीं भाई, बहुत भाई अनक। चलो यार स्टार्ट करते हैं। ओ यार ये तो यार गड़बड़ कर दिया भाई, यार ये खिबारक पर निकल गया यार। कैसा लगा क्या सीन, कैसा लग रहा भाई? मस्त, टू गुड गाइस। वैसे भी इसका तो बॉडी फिटनेस एकदम खतरनाक है और इससे लगता है कि ये पी गया। कैसा लग रहा है, करूं तो नहीं लग रहा भाई? नहीं नॉर्मल कड़वा लग रहा है बस। अब मैं पी पाऊंगा क्या गाइस? मैं तो वैसे भी नहीं पी पाता यार, सबसे दिक्कत है। और चलो यार मैं भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि हारना नहीं है गाइस, हमको हारना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमें पीना ही पड़ेगा। मन तो कड़वा पिए नहीं आए। तो भाई लोग ये मेरे से नहीं हो गया यार, दूसरा पैक में पी रहा हूँ फिर से। मैं तो नहीं पी पाऊंगा भाई, बहुत भयानक कड़ू है। दूसरा पैक में फिर ले रहा हूँ। ये तो यार इंसान है ना, तुम्हें कि एलियन ने कद्दू प्लैनेट से आया हुआ है ये बंदा, और ये पूरा का पूरा ही पी जाएगा लगता है गाइस। तो भाई मेरे से तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये काफी कड़वा और मुझे कड़वा उतना ज्यादा पसंद नहीं है भाई। मेरे एकदम फेंकने लगा था, आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी देख ही पा रहे थे। नहीं पी पाऊंगा मैं, और इस चैलेंज में मैं हार चुका हूँ, और इस चैलेंज का विनर है बन चुका है जयप्रकाश। जयप्रकाश ये है इस चैलेंज का विनर गाइस मधुरा, और ये बोलता है हम भी चैलेंज करते हैं कि एक गिलास का, और लो तेरे नाम पे उड़ा दो पूरी तरीके से। आंख बंद करके पी रहे भाई बंदा, हो गया थोड़ा बचा, थोड़ा बचा। नहीं 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 भाई, जीतना है, मैं जीतना है, जीतना है। एकदम यार ऐसा महक से लगा इसका, महक से इसे लग रहा है आती है कुछ सीखने की बारी। तो गाइस आप सब लोगों को पता है कि करेला एक खाने का सब्जी है और काफी कड़वा होता है, इसका ओनली पार जूस निकाल के यदि पिए तो वो भी काफी डिफिकल्ट हो सकता है। खाने का सब्जी होने की वजह से इसमें डिफरेंट प्रकार के पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम का पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एंड कुछ मात्रा फास्फोरस की पाया जाता है, जो हमारे फैटी को काफी लाभदायक। करेला का जूस पीने से हमें कब्ज की समस्या छुटकारा मिलता है, पाचन शक्ति जो है वो काफी इंक्रीज हो जाता है, मतलब तेज हो जाता है, रक्त को साफ करने के लिए काफी मदद है। करेला में एक सबसे खास तत्व पाया जाता है, बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ए की मात्रा पाए जाने की वजह से आंखों की रोशनी को इंक्रीज करने में काफी मदद होता है गाइस। यदि आप लोग करेला का जूस पीना चाहते हो तो सप्ताह में एक या दो बार पी सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप भाई हमारे तरह से इससे दो दो तीन तीन गिलास पी जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि करेला काफी कड़वा होता है। यदि भाई लोग आप लोगों को पता है कि करेला में और डिफरेंट प्रकार के पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, एंड डिफरेंट प्रकार के इसके और भी फायदे होते हैं इसके करेला जूस पीने से या करेला का सब्जी खाने से, यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट बिलो में लिखना बिल्कुल भी मत भूल। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को कर लो प्रेस, ऐसे नए इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग एंड नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।